एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब फ्रेजेस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज वर्ब फ्रेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कि हाउ टू यूज़। क्या है हमारा टॉपिक आज का? देखिए, हाउ टू यूज़ वर्ब फ्रेसेस, वर्ब फ्रेसेस को कैसे यूज़ करें। ठीक है, वर्ब फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ वर्ब फ्रेजेस में, कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यू कैन यूज़ वर्ब फ्रेजेस एज सेंटेंस प्रेडिकेट्स एंड मॉडिफायर्स। ठीक है, किसकी हेल्प से? सेंटेंस प्रेडिकेट्स और मॉडिफायर की हेल्प से। तो अभी इसका टॉपिक क्या है, सब हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, वर्ब फ्रेसेस एज सेंटेंस प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो सेंटेंस में वर्ब फ्रेसेस कैसे यूज होते हैं प्रेडिकेट्स की तरह। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि प्रेडिकेट होता क्या है। जिसको नहीं पता उसके लिए लिखवा देते हैं, जिसको पता है उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज करने में कोई बुराई तो नहीं है। तो लिखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। अ प्रेडिकेट इज द पार्ट, ये क्या होता है, एक पार्ट होता है, इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का ये एक क्या होता है, पार्ट होता है, एक पोर्शन बोल सकते हैं, या फिर क्या होता है सेंटेंस का, या फिर एक क्लॉज का। ठीक है, पार्ट होता है जो कि हमें क्या बताता है, दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। व्हाट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या होता है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का या फिर क्लॉज का, जो कि मैं बताता है सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं। इसी प्रेडिकेट का ही पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे मूव आगे चलेंगे। जैसे द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्या कह रहा है, द कैट इज स्लीपिंग, जो कैट है वो स्लीपिंग, सो रही है इन द सन। ठीक है, तो इस क्लॉज में जो स्लीपिंग है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, स्लीपिंग इन द सन, ये जितना भी पोर्शन है स्लीपिंग इन द सन, ये क्या है, यही तो है प्रेडिकेट, जो हमें क्या है, ये पार्ट है ना एक सेंटेंस का, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या बता रहा है कि कैट व्हाट इज डूइंग, इसमें क्या बोला था, सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये कौन बता रहा है, कैट क्या कर रहे हैं, यही प्रेडिकेट है। ठीक है, तो अभी अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो अब आपको ईजिली समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर लिखते हैं अ वर्ब फ्रेज कैन बी द प्रेडिकेट, क्या हो सकता है, प्रेडिकेट भी हो सकता है सेंटेंस का।
क्या चीज़ वर्ब फ्रेज के बारे में कहा गया है या फिर किसी भी क्लॉज का। तो इस केस में क्या होता है कि देयर विल बी यूजुअली हेल्पिंग वर्ब इन एडिशन टू द वर्ब। वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब के साथ क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें इतना कुछ था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है वर्ब फ्रेज को हम प्रेडिकेट की तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लॉज में, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं द शूज डोंट फिट हिज फीट। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो वर्ब फ्रेज हमें दे रखा है इसको कैसे यूज हुआ है, एज अ प्रेडिकेट इसको यूज किया है। तो द शूज डोंट फिट हिज फीट, ये क्या कह रहा है कि जूते अपने पैरों में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, डजंट बोल रही कि जूते अपने पैरों में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि जूते अपने पैरों में फिट नहीं होते हैं। अगर इसको देखेंगे हम, इसमें कैसे यूज़ हुआ है एज अ प्रेडिकेट, तो डोंट फिट, जो ये डोंट फिट है ये क्या है, इसमें वर्ब फ्रेज कैसे यूज़ हुआ है एज अ प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू गो इन देयर। तो ये क्या कह रहा है, जो वर्ब फ्रेज है ये फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है, वी, हम। ठीक है, और फंक्शन कैसे कर रहा है, एक्शन, ये कैसे काम कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो वर्ब फ्रेज कैसे यूज हुआ है, जितने भी ये वर्ड्स हैं इसमें क्या है, इसमें कौन सा वर्ड है, आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, ये कैसे यूज हुआ है, एज ए प्रेडिकेट यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड देखते हैं। आई शुड आस्क द डायरेक्टर हिज ओपिनियन। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई शुड आस्क द डायरेक्टर हिज ओपिनियन, मुझे डायरेक्टर से उनकी मतलब उनका ओपिनियन या फिर बोल सकते हैं उनकी राय पूछनी चाहिए। आई शुड आस्क, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, मॉडल वर्क करते वक्त बताया था। तो इसमें बताइए कौन सा है, एज अ प्रेडिकेट कैसे यूज हो रहा है, वर्ब फ्रेजेस शुड आस्क। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। माई सिस्टर हैजंट क्या है, अपोस्ट्रॉफी होता है। ठीक है, हैजंट डिसाइडेड व्हाट डिजर्ट शी वांट्स। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे योर टीचर्स हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट कार्ड,
तो ये सेंटेंस पहले फोर्थ वाला सेंटेंस देखते हैं कि माय सिस्टर हैजंट डिसाइडेड व्हाट डिजर्ट शी वांट्स, कि मेरी सिस्टर ने मतलब डिसाइड नहीं किया है, फिर बोल सकते हैं फैसला नहीं किया कि वह कौन सी डिजर्ट चाहती है। डिजर्ट मतलब क्या होता है, मिठाई, तो क्या कौन सी चाहती है उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और अगर इसमें हम देखें कि वर्ब फ्रेज जो है वो एज अ प्रेडिकेट कैसे यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा आपको समझ आ गया होगा अभी तक, इसमें क्या होगा, हैजंट डिसाइडेड, हैज नॉट डिसाइडेड, ठीक है। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल देखते हैं, योर टीचर्स हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट कार्ड। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड पूरा कर लिया है। तो इसमें अगर बात करेंगे कि वर्ब फ्रेज में कैसे यूज़ हो रहा है एज अ प्रेडिकेट, तो कैसे यूज़ हो रहा है, वर्ब फ्रेज एज सेंटेंस प्रेडिकेट, हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो आपने इन सभी में क्या देखा है कि दीज वर्ब फ्रेजेस फॉलो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्या कर रही है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को फॉलो कर रही है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे सब्जेक्ट को ही फॉलो किया जा रहा है, द शूज, वी, ये क्या है, सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। और वो फंक्शन कैसे कर रहा है, फंक्शन एज द एक्शन, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, जो काम हो रहा है सेंटेंस में उसको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो वर्ब फ्रेज कैन इंक्लूड ऑल दिस वर्ड्स इन द प्रेडिकेट, तो ये सब कैसे इंक्लूड हो गए वर्ब फ्रेज में, कैसे मिल गए प्रेडिकेट की तरह, और हेल्पिंग या फिर मेन वर्ब की तरह, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन हाउ द फ्रेज इज यूज, कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस पर ही डिपेंड होगा, ठीक है, कि कैसे फ्रेज को यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी हमारा वर्ब फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो होता है वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो में अदर टाइप ऑफ फ्रेज पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।